छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र के सुसाइड करने के मामले में नया मोड़ आ गया। छात्रों का आक्रोश लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ दिन भर प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संध्या कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने छात्रों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि उनकी मांगों पर कॉलेज कैंपस में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, एक कमेटी का गठन करने और मृतक छात्रों के परिवार वालों को मुआवजा देने आदि की शामिल है। इस मामले में तत्काल उप प्राचार्य सह परीक्षा नियंत्रक जफर अयूब अंसारी को पद से हटा दिया गया। इधर इस मामले में परिजनों के बयान और आवेदन के आधार पर प्राचार्य तथा उप प्राचार्य सह परीक्षा नियंत्रक समेत तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पुलिस इस मामले में प्राचार्य समेत कॉलेज के अन्य प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है। छात्रों के बयान लिए गए हैं। पुलिस कप्तान ने इस मामले की जाँच के लिए SIT गठित करने की बात कही है। छात्र संदीप कुमार आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो आत्महत्या संदीप कुमार ने किया है, ये परीक्षा नियंत्रक अयूब जफर अंसारी जो है प्रौद्योगिक महाविद्यालय के, उनके दबाव में किया गया है। पूरा घटना 25 दिसंबर से तुलसी पूजन से शुरू होता है। छात्रावास में छात्र तुलसी पूजन 25 दिसंबर को करते हैं। जो परीक्षा नियंत्रक अयूब जफर अंसारी को अच्छा नहीं लगता है और वो एक घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो अपना धार्मिक कठोरता और धार्मिक करने के लिए लगातार अपना काम कर रहे थे। जो उनको तुलसी पूजन अच्छा नहीं लगा और छात्रों के साथ जाकर छात्रावास में गाली गलौज किए, उसके साथ ही वॉलीबॉल खेल रहे थे जो छात्र, उनके साथ गाली गलौज किए, नेट वहां के काट दिए। उसके बाद 27 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों द्वारा उनके खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद महाविद्यालय प्रशासन और परीक्षा नियंत्रक अयूब जफर अंसारी के द्वारा छात्रों पर एक दबाव बनाया जाता है कि तुमको यहीं रहना है, अगर तुम लोग मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन करोगे तो तुम सभी को परीक्षा में फेल करवा दिया जाएगा। और एक एक छात्रों को टारगेट किया जाता है। उसी टारगेट के शिकार कल संदीप कुमार बनते हैं और एक काफी दबाव के में लगातार उनको टॉर्चर परीक्षा नियंत्रक के द्वारा किया जा रहा था। उसी टॉर्चर के कारण संदीप कुमार आत्महत्या करने के मजबूर हुए। कल जो सदर अस्पताल के पास तोड़फोड़ की गई, छात्रों के द्वारा आगजनी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र काफी आक्रोशित थे और छात्र ने अपने साथी को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा, इसलिए वो मतलब अपने आप को काबू में। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले के अंतर्गत तो अमौर विधानसभा के रोटा बाजार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 15 वर्षों को बेमिसाल कार्यक्रम मास्टर मुजाहिद आलम सह JDO उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया। मौके पर पूर्व विधायक सबाज पर इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में AIMIM के लोग अपना पार्टी को छोड़कर JDO में शामिल हुए। AIMIM के लोगों ने बताया कि इस पार्टी में सिर्फ झूठे वादे होते हैं, काम नहीं। उसी मौके पर मास्टर मुजाहिद आलम सह JDO उपाध्यक्ष ने कहा कि समाज से भ्रष्टाचार को दूर करना, गरीब को उसका हक दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी को माला पहना कर सम्मानित किया गया। 24 नवंबर 2005 को आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल के कुशासन जंगल राज के बाद एक नए सूरज का उदय हुआ और 24 नवंबर 2005 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी संभाले। उनको विरासत में एक ऐसा बिहार मिला जो उजड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ था। न वहाँ कानून का राज था, न चलने के लिए सड़कें थी, न गांव में बिजली थी, न हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, न स्कूलों में शिक्षक, न बिल्डिंग थी। लेकिन इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के 12.5 करोड़ अवाम को, जनता को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझ कर रात दिन 24 घंटे मेहनत किया और आज 15 साल बाद यही बिहार देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बन गया। 15 साल 24 नवंबर 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान था। लोग शर्म से जो बाहर हमारे भाई जाते थे दिल्ली पंजाब, नहीं कहते थे कि हम बिहार से आए, बोलते हम बंगाल से आए। उस वक्त बिहारी कहलाना जो है अपमान लोग समझते थे, लेकिन आज लोग शान से बाहर जाके बोलते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज जो है कुछ लोग जो BJP का डर दिखाकर इस तरह से जो है लोगों को गुमराह कर वोट लेने का काम किए हैं। आपके यहाँ भी चुनाव हुआ, समाज अमर साहब हमारे
विधायक पर 2010 से 2015 इन्होंने कितने सड़कों का निर्माण, कितने पुलों का नाम खाली पुल और जो आपको रसेली घाट पुल मौलाना सराउद्दीन कासमी और सवाल अहमद साहब की देन है, लेकिन ये नहीं रहे, आज वो सब अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। आज जितने भी कार्यक्रम थे नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, यही वजह थे कि इतना कांड जो है आपके अमोर विधानसभा में हुआ। मैं नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ था, इसलिए 5 साल में जो है 2000 करोड़ से अधिक का काम हो पाया। आज जो है कोचा थामन में आप देखते होंगे 44 किलोमीटर PWD सड़क 155 करोड़ की लागत से पिछले 2 साल से बन रहा है, जिसका नाम हम लोगों ने मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी के नाम पर रखने का काम किया। वहीं पर मस्तान चौक भरवट्टा 21 किलोमीटर PWD सड़क 100 करोड़ की लागत से बन जो है अभी आप पूरा होने के कगार पर है। और जो है आप देखे होंगे कोचा थामन विधानसभा में मात्र 30 पंचायतें, जब मैं 2014 में पहली बार MLA बना, सिर्फ मात्र एक पावर सब स्टेशन था सराय, और आज 30 पंचायत में 6-6 पावर सब स्टेशन है। मरवाटोली महेन्द्राव पंचायत में, हटाकपाड़ा बिलवा में, डेरामारी में बन रहा है, आपको जाके मोदोहाट काली मशहूर साहब के पंचायत में, बिशनपुर सेंट्रल ग्रिड जहां पर पूरे बिहार को बिजली जाती है, बारामसिया जो सेंट्रल ग्रिड कोटा धामन में है, उसी के बगल में सीनियर चकंद्रा में स्टेट ग्रिड में है। आज कोटा धामन में 6-7 साल पहले बिजली की ये स्थिति थी कि जो है 3-4 घंटे बिजली रहती थी, आज कोटा धामन में पूरी बिजली रहती है, और कोटा धामन से ही बिजली बिहार के अन्य जिलों में, किशनगंज के अन्य प्रखंडियों में जाने का काम करता है। ये सब कैसे संभव हुआ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसका मैं सिपाही था और उन्हीं के कारण ये सारा काम आज जो है संपन्न हुआ। जब कोटा धामन जाएंगे देखेंगे एक भी गांव टोला बसावट कोई भी पक्की सड़क से छूटा हुआ नहीं है। जिस तरह से 2010 से 15 के बीच में हमारे समाज अमर भाई पूरे अमोर विधानसभा का काया पलट करने। R9 भारत के लिए श्रवण कुमार की रिपोर्ट, पूर्णिया बिहार से।